गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस गुड, सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है, मुझे बताइए आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस गुड सर। गुड गुड। अब लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट देखा था वो नेस्टेड इफ था, मतलब इफ विद इन इफ। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे जो कल वाला एग्जाम्पल है वो करके भी भेजा। सभी लोगों ने अलग अलग कोशिश की है और मुझे अच्छा लगा कि उनके आउटपुट्स भी आए, मतलब आप कोशिश कर रहे हो। गुड। अब मैं एट द एंड, मतलब ये सेशन के एंड में नेस्टेड इफ पे ही एक प्रोग्राम दूंगा, वो सभी आपके लिए टास्क रहेगा। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है लिस्ट। ओके ओके। अब देखिए, मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे बताइए, अगर मुझे 51, ये किसी का रोल नंबर है, ये मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, आप क्या लिखोगे? 51 ये किसी का रोल नंबर है और किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, आप क्या लिखोगे? स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ मैं। A=51। बराबर, आप क्या लिखोगे? सिंपल है वो, A=51। इसका मतलब ये हुआ कि A एक वेरिएबल है और 51 उसकी वैल्यू है। करेक्ट है। अब ये कहीं तो भी स्टोर हुआ ना, कहीं तो भी स्टोर हुआ, इसका मतलब मेमोरी का इस्तेमाल किया गया है। करेक्ट। अगर इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रहेगा? अब मेमोरी मतलब क्या? आपकी वोलेटाइल मेमोरी रहती है, रैम सिस्टम के अंदर अगर आपने सेव किया तो हार्ड डिस्क में सेव होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी मालूम है, लेकिन मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट कैसे होता होगा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे एक फाइल है और इस फाइल में मैंने एक टेबल ड्रॉ करके रखा, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है टेबल? यस सर, ब्लैंक यस टेबल है। जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली रियलिटी कुछ और है, लेकिन ये चीज़ समझने के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके okay? अब जब आपने एक वेरिएबल बनाया A=51, ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेमोरी में, मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, एक वेरिएबल बना होगा। देखो, उदाहरण के तौर पे सपोज ये एक वेरिएबल है A और उसकी वैल्यू है 51, ऐसा, ठीक है, स्मॉल ए लिया मैंने, उसकी वैल्यू है 51। ओके, इसको देखो जरा, इस पूरे टेबल के अंदर, मतलब ये सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी मेमोरी ब्लॉक्स है, छोटे 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 ऐसे लाखों करोड़ों मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, और उस मेमोरी में, मतलब आपने जब लिखा A=51, मतलब वो कुछ तो भी इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ होगा। नीचे आपने वेरिएबल का नाम लिखा और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी। ओके, तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। एक्चुअली ये जो पूरे जो टेबल बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, ये जो बॉक्स होते हैं ना, इन सभी बॉक्सेस को नंबर होता है, जिसको मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और इंटरनली, मतलब ये जो ए है ना, इंटरनली इसका कोई तो भी लोकेशन होगा, मेमोरी लोकेशन। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ कि सपोज ए का मेमोरी लोकेशन होगा 101, सिर्फ एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, 101। ओके, ये मेमोरी लोकेशन हो सकता है ए का, और इस मेमोरी लोकेशन पे 51 ये वैल्यू स्टोर्ड है, इसका ऐसा बोलना है। लेकिन हमारे ध्यान में मेमोरी लोकेशन नहीं रहते, हम वेरिएबल को अच्छे समझ सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम टाइम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो उदाहरण के तौर पे दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे बताइए, मैंने अगर ये बोला आपको कि मुझे राम ये वर्ड किसी वेरिएबल पे स्टोर करना है, क्या करोगे? बराबर, डबल स्कोट में राम। आप कोई भी एक वेरिएबल ले लोगे। सपोज मैंने एन नाम का वेरिएबल लिया और आप ऐसा बोलोगे कि राम ही लिखना है ना, तो आपने ऐसा अगर डायरेक्ट लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि राम जो है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर होगा? देखो, सिंपल,
जो भी मेमोरी ब्लॉक खाली है, अब मेमोरी में तो काफ़ी सारे चंक्स रहते हैं, काफ़ी सारे मेमोरी लोकेशंस रहते हैं, सिस्टम मतलब प्रोसेसर कोई भी एक रैंडम मेमोरी लोकेशन पकड़ सकता है और उस पर वो डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लगता हूँ, सपोज यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे एक एन नाम का वेरिएबल है और इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए एन नाम का वेरिएबल बना और उसकी वैल्यू है सपोज राम, उसकी वैल्यू है राम। मतलब जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो वैल्यू कहाँ पे आएगी इसका कोई लॉजिक नहीं रहता। हाँ लेकिन जहाँ भी वो खाली हो उस जगह वो आ सकती है, उस जगह वो आ सकती है। हमने एक वेरिएबल बनाया एन और उसकी वैल्यू है राम, ठीक है। तो ये मेमोरी लोकेशन में कहीं पे भी स्टोर हो सकता है, जहाँ पे भी खाली ब्लॉक मिले वहाँ पे वो स्टोर हो सकता है, ये डिसीजन प्रोसेसर कर रहता है, ठीक है। ओके उदाहरण के तौर पे मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए राम एक एन बना यहाँ पे और एन वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है राम, तो एन कहीं तो भी है मतलब इसका मेमोरी लोकेशन भी होगा। ओके इसका मेमोरी लोकेशन भी होगा, तो इसका मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई यही रहेगा, यही से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका मेमोरी लोकेशन इमेजिन करो 501, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी मेमोरी ब्लॉक्स में किसी का भी मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा छोटा सा, जिसमें एक एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 51 जो कि इंटीजर वैल्यू है, और दूसरा एक वेरिएबल है एन जिसकी वैल्यू है राम जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है, वो मेमोरी में कुछ इस प्रकार से स्टोर रहे। आप जब भी बोलते हो प्रिंट ए या फिर प्रिंट एन, तब जाके उसके उस मेमोरी ब्लॉक में की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे ऊपर आती है हमेशा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो अलग अलग प्रकार के वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल लेने पड़े। ओके लेकिन पाइथन में एक डेटा, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक प्रकार का डेटा हैंडलिंग हो गया। लेकिन पाइथन में कुछ डेटा इस प्रकार से हैंडल किए जाते हैं कि एक ही वेरिएबल अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे जो ए नाम का वेरिएबल है उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखी है, 51 जो कि इंटीजर टाइप की है, बराबर। उसके बाद में एन एक वेरिएबल है उसने कौन सी प्रकार की इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखी है, स्ट्रिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन जैसे कि राम। ओके लेकिन पाइथन में एक डेटा टाइप कुछ इस प्रकार से है जो अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रख सकता है, मतलब मिक्स टाइप की। वो पूरे के पूरे इंटीजर भी स्टोर कर सकता है, वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता है, और या फिर वो पूरे के पूरे इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट कैरेक्टर डबल कुछ भी स्टोर कर सकता है। तो इस डेटा टाइप को हमको आज पढ़ना है। तो इस प्रकार का जो डेटा टाइप होता है जो कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकता है उस डेटा टाइप को बोलते हैं लिस्ट। देखिए आप क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है लिस्ट। हेडिंग डालिए लिस्ट और उसके बारे में लिखना है हमको। लिखिए लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन सिंगल वेरिएबल। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप, मतलब बिल्ट इन डेटा टाइप मतलब ऑलरेडी अवेलेबल होना। लिस्ट इज वन ऑफ द बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन, कॉमा करके लिखिए, विच इज यूज टू स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। विच इज यूज टू स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। विच इज यूज टू स्टोर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, लिखा, ठीक है। चलो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। अब लिस्ट हमने क्या लिखा कि लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल टाइप की
इंफॉर्मेशन या फिर वेरिएबल या फिर वैल्यूज को हैंडल कर सकता है नॉर्मली। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे एक वेरिएबल एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहा है, जैसे कि ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, एन के अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, लेकिन लिस्ट ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यूज अवेलेबल की जा सकती है या फिर रखी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमको स्टडी करना है लिस्ट को, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, बराबर। पर सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है, देखो पहले समझ लेते हैं। हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट का नाम, जिस प्रकार से हम किसी वेरिएबल को नाम देते हैं उसी प्रकार से हमको नाम देना पड़ेगा किसी भी लिस्ट का। ओके, लिस्ट का नाम आप ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इक्वल टू, इक्वल टू मतलब उसके अंदर क्या आना चाहिए, इक्वल टू में आपको दो ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और जो भी वैल्यूज लिस्ट के अंदर डालनी है वो वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा आप डाल सकते हो, आप कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर डेटा लिखा हुआ है। अब लिस्ट ऐसा है कि लिस्ट के अंदर पूरे इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, आप पूरे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, या फिर मिक्स टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए अगर मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर सभी लोगों के रोल नंबर्स हो, ठीक है, क्या होने चाहिए, सभी लोगों के रोल नंबर्स हो। अब रोल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर में रहते हैं, तो चलिए हमें एक लिस्ट बनानी है, समझ ले लीजिए पहले, हमें एक लिस्ट बनानी है मतलब एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा मतलब मल्टीपल रोल नंबर स्टोर्ड हो उसके। ओके, करते हैं। अब क्या करना है, लिस्ट बनाना है ना। सिंटैक्स को देखें, सिंटैक्स क्या है, ये है। सबसे पहले आपको लिस्ट का नाम रखना पड़ेगा, लिस्ट का नाम रखना मतलब आप ए टू जेड कोई भी नाम रख सकते हो जिस प्रकार से आप वेरिएबल बनाते हो। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट में किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, रोल नंबर के लिए, रोल नंबर के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा नाम लेता हूँ लिस्ट, समझने की सिर्फ, समझने के लिए लिस्ट अंडरस्कोर रोल, ये एक वेरिएबल हो गया लिस्ट अंडरस्कोर रोल। ओके, एक वेरिएबल हो गया सिर्फ, और उस वेरिएबल के अंदर हमको वैल्यू डालनी है, और मैं किस प्रकार की वैल्यू डालने वाला हूँ, रोल नंबर स्टोर करने वाली। अब देखो वैल्यू डालने के लिए क्या है, आपको जो भी वैल्यू डालनी है वो काय में देनी है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देनी है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और इसके अंदर आपको जो वैल्यू देनी है आप दे सकते हो, आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो। इमेजिन कीजिए मुझे रोल नंबर स्टोर करना है 51, 52, 53, 54, मतलब मैंने चार अलग अलग वैल्यू एक ही जगह पे स्टोर की है, समझ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, ए नाम का वेरिएबल लिया था, उसमें 51 वैल्यू डाली थी, मतलब उस ए के अंदर एट अ टाइम एक ही वैल्यू आ सकती है। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर मतलब लिस्ट नाम का मतलब एक जो लिस्ट बनाया मैंने जिसका नाम है लिस्ट रोल, उसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यूज डाली है। देखो देखो 51, 52, 53, 54, ओके, मतलब आप एक से ज़्यादा अगर वैल्यू डालनी है तो कुछ इस प्रकार से वो वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर फिर ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता, चलिए देखिए उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, देखो यहाँ पे अब मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, चलिए इसको मैंने ब्लैंक कर दिया, ये अपनी मेमोरी है। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर मेमोरी में इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे रिप्रेजेंट हुआ होगा, मेमोरी के अंदर बॉक्सेस होंगे कई सारे, ओके, और उस सभी बॉक्सेस के अंदर इन वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 51, 52, एंड 54, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको नाम भी तो दिया आपने, इसके अंदर नाम है इसका लिस्ट रोल, तो ये जो लिस्ट रोल है कुछ इस प्रकार से रहेगा लिस्ट रोल। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट कम कर देता हूँ मैं इसका, लिस्ट रोल, ओके। लेकिन ये जो लिस्ट रोल है, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये अपना वेरिएबल है लिस्ट रोल,
लेकिन इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ना इनको नंबरिंग दी रहती है, और जो ये वैल्यूज होती है इन वैल्यूज के जो लोकेशंस होते हैं ये हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब ये होगा जीरो, ये होगा वन। देखो यहाँ पे जीरो वन टू एंड थ्री, इस प्रकार से इनके लोकेशंस होंगे। ठीक है, जीरो वन टू थ्री, क्लियर हो रहा है आपको? 51 जो है वो जीरो पोजीशन पे है, 52 वन पोजीशन पे है, 53 टू पोजीशन पे एंड 54 थ्री पोजीशन पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपको ये जो लिस्ट है, लिस्ट के सभी वेरिएबल्स का जो लोकेशन होता है वो इनडायरेक्टली जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे ये 51 वन, ये टू और ये थ्री, ये इनकी मेरे लोकेशन रहेंगी। क्लियर हो रहा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल सिर्फ हमको समझ लेना है कि क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है, जब हम कोडिंग करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिस्ट जैसा मिलता जुलता कंसेप्ट आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा है सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस में देखा है? कोई कंसेप्ट है जो इससे मिलता है, कोई बता सकता है बराबर अरे कौन सा? एग्जैक्टली अगर आप सी लैंग्वेज में, ठीक इससे ही मिलता जुलता कंसेप्ट है जिसका नाम है एरे। अरे अरे एग्जैक्टली एरे के अंदर ये मैच करता है, मतलब ये जो लिस्ट मैंने बनाया ये ठीक एरे जैसा है। लेकिन एरे और लिस्ट में फर्क है, एरे और लिस्ट में फर्क ये है कि सी के अंदर या फिर सी प्लस प्लस के अंदर जो एरे है वो एरे एक ही प्रकार की वैल्यू एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। मतलब अगर आपने इंटीजर टाइप के एरे बनाया तो उसके अंदर इंटीजर टाइप की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया तो उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। ओके, फ्लोट टाइप का बनाया तो फ्लोट टाइप की ही इंफॉर्मेशन रहेगी। लेकिन लेकिन हमने लिस्ट के अंदर ये जो मतलब एरे का जो प्रॉब्लम है वो पाइथन में लिस्ट के अंदर सॉल्व कर दिया गया है। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, अब अगर मुझे कोई लिस्ट बनानी है जिसके अंदर मुझे राम श्याम और लक्ष्य ये तीन नाम स्टोर कर रखना है, स्टोर करके रखना है, कैसे करोगे आप लोग? आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, बराबर। चलिए लिस्ट बनाते हैं, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ सपोज एल नेम नाम से। ठीक है, आप कुछ भी नाम देख सकते हो, इक्वल टू और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आप वैल्यू दे सकते हो। बस इस बार मुझे कैसी लिस्ट बनानी है जो सभी के नाम स्टोर कर सके। ओके, सभी के नाम स्टोर कर सके। ओके, अब स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू स्टोर कर रखना है, स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू स्टोर कर रखना है तो फिर आपको कंपलसरी है कि वैल्यूज डबल कोट्स में रखें। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम कॉमा, फिर डबल कोट्स में सपोज श्याम कॉमा, फिर डबल कोट्स में सपोज लक्ष्य। तो ये तीन वैल्यू मैंने स्टोर करके रखा इस प्रोग्राम में। मतलब जो लिखा गया है वो दोनों ही क्या है, एक प्रकार की लिस्ट है। ठीक है, पहले वाला जो लिस्ट है वो पूरा का पूरा इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रख रहा है, दूसरा वाला जो लिस्ट है वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करके रख रहा है। और जिस प्रकार से मैंने आपको ये बोला कि कोई भी लिस्ट का पहला वेरिएबल, पहला वैल्यू, उसका पोजीशन नंबर क्या होगा, जैसे कि मुझे बताओ राम का पोजीशन नंबर क्या होगा यहाँ पे? जीरो। एग्जैक्टली, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इनके जो पोजिशंस होते हैं वो हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होते हैं, जस्ट लाइक एरे। ओके, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे फर्क तो नहीं समझा, क्योंकि एरे में भी इंटीजर टाइप का ही एरे अलग बनता है, स्ट्रिंग टाइप का एरे अलग बनता है। अब देखो यहाँ पे फर्क ऐसा है, अगर मुझे ऐसा लिस्ट बनाना है जिसके अंदर मुझे रोल नंबर भी स्टोर करना है और नाम भी स्टोर करना है तो मैं कर सकता हूँ। देखिए, जैसे मैंने एक ऐसा ट्रिप बनाया यहाँ पे, देखो मैंने एल स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट बनाया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और इसके अंदर मुझे रोल नंबर भी स्टोर करना है और उसके बाद में उनके नाम भी स्टोर करना है तो मैं कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 51 और उसके बाद में किसी का नाम मुझे स्टोर करना है, तो फिर डबल कोट्स में सपोज राम कॉमा, मुझे और एक रोल नंबर स्टोर करना है 52 और मुझे और एक नाम स्टोर करना है, चलिए श्याम, मुझे और एक रोल नंबर चाहिए 53
और एक नाम चाहिए, लक्ष्य। तो अभी ये जो लिस्ट मैंने बनाया है, ये कौन सा कैसा क्या फर्क है इस लिस्ट में? इस लिस्ट में सभी की सभी डेटा जो है वो अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। देखो इसमें इंटीजर टाइप का भी डेटा है, इसमें स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा है, और आप चाहो तो उसमें और अलग टाइप का डेटा डाल सकते हो। जैसे कि अभी अभी ये स्टूडेंट का है, तो एक काम कर सकते अपन किसी के परसेंटेज भी डाल सकते, जैसे कि 65.36 ये परसेंटेज है। तो देखो यहाँ पे ये जो लिखा मैंने, ये जो लिस्ट बनाया, इस लिस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार का डेटा मौजूद है, लेकिन फिर भी ये एरर नहीं दे रहा है, ओके। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको तीन लिस्ट बना के दिखाई यहाँ पे, आपको पूरा का पूरा इंटीजर का लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी बताया, पूरा स्ट्रिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी बताया, और एक मिक्स टाइप का लिस्ट कैसे बनाते हैं वो भी बताया। मुझे बताइए लिस्ट क्रिएट करने में आपको कोई दिक्कत है क्या? ओके, सिंटैक्स से, हाँ सिंटैक्स से ये चीज़ काफ़ी आसान हो गई, आपने सिंटैक्स देखा हुआ है, ओके ठीक है। अब मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। डिफरेंस बिटवीन एरे, क्योंकि एरे जो है ये कॉमन कंसेप्ट है, और लिस्ट, इनके बीच में क्या फर्क है, कोई बता सकता है पहला डिफरेंस क्या है? डेटा टाइप ये क्या करता है, सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, बराबर सेम टाइप डेटा होल्ड कर सकता है, और ये डिफरेंट टाइप डेटा होल्ड कर सकता है। देखो सिंपल है, एरे जो है सेम टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है, और लिस्ट जो है डिफरेंट टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। अभी तो एग्जांपल देखा आपने, बराबर और क्या बता सकते हैं अपन? सर साइज, आई थिंक बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है एरे की जो साइज है, एक बार फिक्स कर दी, मतलब मैंने अगर 10 लिमिट वाला एरे अगर बना लिया तो मैं उसको प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में उसको बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन लिस्ट ऐसा है, उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ पे आपने जो लिस्ट बनाई है वो कितने रोल नंबर्स की है, पहले वाली 4 रोल नंबर्स की है, लेकिन आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपको 4 के जगह 10 रोल नंबर की लिस्ट बनानी है रन टाइम, तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एरे के अंदर ऐसा नहीं होता, सी लैंग्वेज में जो एरे है या फिर कोई भी प्रकार का एरे है, सपोज सी सी प्लस प्लस में, तो उसकी साइज जो है ना फिक्स साइज होता है, ये फिक्स साइज होता है, मतलब इसकी साइज रन टाइम नहीं बढ़ाई जा सकती है। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है, आप जब चाहे टाइप उसकी साइज बढ़ा सकते हो, तो ये डायनामिक साइज हो गई उसकी। ये जो मैं आपको फर्क बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्या बता सकते हो, और कोई बता सकता है? सी लैंग्वेज में एरे सबने पढ़ाई होगा थोड़ा बहुत, और नहीं भी आता तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, अपन लिस्ट पढ़ ही रहे, उससे एडवांस ही पढ़ रहे। कोई बता सकता है सर? मेमोरी एलोकेशन तो सेम ही है दोनों में, सो वहां पे डिफरेंट? हाँ मेमोरी एलोकेशन दोनों में ही सेम है। इसमें मैं बताता हूँ आपको कि मेमोरी एलोकेशन तो जीरो से स्टार्ट होता है, एरे में भी जीरो से स्टार्ट होता है, और लिस्ट में भी जीरो से स्टार्ट होता है। फर्क ये है कि एरे में, अगर आपके पास एरे है तो एरे में इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मुश्किल है, मतलब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं काफ़ी सारे, कौन से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो है, मतलब इंसर्ट करना मतलब डेटा को ऐड करना, इंसर्ट अपडेट करना मतलब डेटा को बदलना, और डिलीट करना, ये जो ऑपरेशंस है ना ये ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये करने में सिस्टम को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आप बोलोगे कि सर हम जब प्रोग्राम रन करते थे तीन चार वेरिएबल लेके तो टाइम तो नहीं लगता था, देखिए ये तीन चार वेरिएबल या फिर तीन चार मेमोरी लोकेशन एग्जीक्यूट करने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। लेकिन जब बात आती है लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स की, तब ऐसे समय पे
एरे जो है उसको टाइम लग सकता है, वो हैंग हो सकता है और उसमें डेटा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि अभी सभी के पास में इमेजिन करो अमरावती के या फिर कोई किसी भी सिटीज के सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू है, ठीक है। सपोज आपको रजिस्ट्रेशन करना है किसी चीज़ का, पहला बंदा आया उसने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरा बंदा आया उसने रजिस्ट्रेशन किया, तीसरा बंदा आया उसने रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। और सबको एक नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इमेजिन कीजिए राम नाम का कोई बंदा है जिसको नंबर मिला था, सपोज उसका नंबर था 2 लाख समथिंग, ठीक है। और राम अब वहाँ पे नहीं है, राम का रिकॉर्ड वहाँ पे वहाँ से डिलीट करना है। तो आप जब वो रिकॉर्ड डिलीट करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। शिफ्टिंग मतलब उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट है किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसमें क्या 6 नंबर का स्टूडेंट जो है वो जा चुका है, तो क्या होगा, जो 7 नंबर का है वो 6 नंबर पे आएगा, जो 8 नंबर पे है वो 7 नंबर पे आएगा, और जो 9 नंबर पे था वो 8 नंबर पे आएगा। मतलब ऐसा ही शिफ्टिंग होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग करने के लिए एरे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें शिफ्टिंग मतलब इंसर्ट भी कॉम्प्लेक्स होता है, अपडेट भी और डिलीट भी, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने में सीपीयू के काफ़ी सारे साइकिल्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत टाइम लगता है। लेकिन यही चीज़ें लिस्ट में एकदम आसान है, यहाँ से ये काफ़ी इजी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है ना, वो सब बहुत ही ईजी तरीके से किया जा सकता है और ये फास्ट होते हैं। एरे जो है प्रोसेसिंग में स्लो होते हैं, ये स्लो प्रोसेस करते हैं, स्लो प्रोसेसिंग। और जो लिस्ट है वो, सॉरी यहाँ पे नंबर गलत हो गया मेरा, 4th नंबर। और ये जो लिस्ट है ये प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, फास्ट प्रोसेसिंग, ओके। आपको ये समझ में आया, मैंने जो आपको डिफरेंस बताया वो एकदम इजी इजी लैंग्वेज में बताया, और यही आपको ध्यान में रखना है। इसमें मेन जो डिफरेंस है वो यही है, पहले जो 2 डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है, कि जो सिंपल एरे जो है वो एक ही टाइप का डेटा होल्ड कर रख सकता है, और लिस्ट जो है वो मल्टीपल टाइप का डेटा होल्ड करके रख सकता है। सिंपल एरे की साइज़ फिक्स होती है और लिस्ट की साइज़ डायनेमिक होती है, और बाकी जो है वो तो कॉमन कॉमन फर्क है, ठीक है। मुझे बताइए कोई कोई डाउट आपको एरे और लिस्ट में, ये जो डिफरेंस बताया उसमें, नो सर, नो ओके। सर, चलिए अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए आपने सिंटैक्स लिखा क्या? नो सर, ओके, सिंटैक्स लिख लीजिए, ये आपका सिंटैक्स है। ये आपका सिंटैक्स है। लिस्ट नेम, आप लिस्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, इक्वल टू आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अलग अलग वैल्यूज आप पास कर सकते हो। वैल्यू का डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी करो, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं, और ये है अपने 3 एग्जाम्पल, ये तीनों ही एग्जाम्पल लिख लो। पहला लिस्ट रोल करके उसमें जो लिस्ट है पूरी की पूरी इंटीजर टाइप की है, दूसरी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग टाइप की है, और तीसरी जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी मिक्स टाइप की है। ये एग्जाम्पल हो गए स्ट्रिंग के, सॉरी लिस्ट के। लिखने के बाद बताइए, चलिए सबका लिख के हो गया होगा, ओके। अब ना इसका थोड़ा इस्तेमाल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ये हटा देता हूँ, फिलहाल एक ही लिस्ट रखता हूँ जो इंटीजर टाइप की है। अब जिस प्रकार से आप नॉर्मल वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू है सपोज 51 और हम प्रिंट करते हैं ए को, उसी प्रकार हम लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए किसी भी लिस्ट को प्रिंट करना है तो सिंपल है, प्रिंट इन ब्रैकेट डायरेक्टली लिस्ट का नाम लिख दो, हो गया। जिस प्रकार से एक नॉर्मल वेरिएबल को आप प्रिंट करते हो उसी प्रकार से लिस्ट को भी प्रिंट करते हो, ठीक है, बस प्रिंट। इसमें ये प्रिंटिंग इतना आसान है, और सी लैंग्वेज में अगर किसी एरे को प्रिंट करना होता ना तो एक एक मतलब फॉर लूप वगैरह लगाना पड़ता है उसके अंदर, तब जाके एक एक डेटा प्रिंट होता है। लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं, आपको लिस्ट प्रिंट करना है, सिंपल लिखिए प्रिंट और बस वैल्यू मतलब वेरिएबल का नाम दे दो। हमारे पास लिस्ट वेरिएबल है लिस्ट रोल नाम से, सिंपल। और अब चलिए रन करके देखते हैं, तो रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक रन मेन, देखते हैं।
देखिए उसने जैसे कहा वैसा लिस्ट प्रिंट कर दिया, दिख रहा है आपको 51, 52, 53, सिंपल। चलिए और एक करके देखते हैं एग्जाम्पल अपन। मैंने और एक लिस्ट बनाया सपोज ये वाला। अब मुझे इन तीनों को ही, सपोज मुझे एल नेम वाली जो लिस्ट है ना उसको ही प्रिंट करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? बराबर, आप डायरेक्टली बोलोगे उतना ही प्रिंट करना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंट एल नेम, सिंपल हो गया। और जस्ट रन करो उसको। चलिए देखिए लिस्ट प्रिंट हो गई, राम, श्याम एंड लक्ष्य। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, भले ही आप डबल कोट्स इस्तेमाल करो या सिंगल कोट्स इस्तेमाल करो, आउटपुट प्रिंटिंग करते वक्त हमेशा सिंगल कोट ही आएंगे, ठीक है? इसमें डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का कोई फर्क नहीं होता, ठीक है? आप बोलोगे कि सर एक काम करते, ये राम श्याम जो लक्ष्य जो है वो सिंगल कोट डाले दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो सिंगल कोट करते हैं फिर भी वो वैसे के वैसे ही प्रिंट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए पाइथन के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स को लेके कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको कभी भी। देखो मैंने चेंज कर दिया सभी का सभी, और फिर से रन करता हूँ, री रन किया, फिर भी वो उसने वैसे का वैसे आउटपुट दिया, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं होता। आप चाहे डबल कोट्स इस्तेमाल करो, आप चाहे सिंगल कोट्स इस्तेमाल करो, पाइथन के अंदर उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी लैंग्वेजेस में फ़र्क है, डबल कोट्स स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, और सिंगल कोट सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर ये कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। गुड, ठीक, ये हो गया प्रिंटिंग का, ठीक है? अब उसके नीचे आपको अभी लिखना है, इसको एक ड्रॉ करके रखना है। ड्रॉ मतलब क्या, ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ये आपको ड्रॉ करना है। ये लिस्ट रूल है ना, ये एग्जांपल भी लिखा ही है, ऐसा हेडिंग डालना मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और इस प्रकार से वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रहता है। बॉक्सेस निकालने हैं छोटे छोटे आपको, बाकी का आपने नहीं निकाला तो भी चलेगा, टेबल के जैसा ड्रॉ करना है। देखो सिर्फ इतना ड्रॉ करो आपको, ये डायग्राम बड़ी काम की है, इससे ये पता चलता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपर, मुझे बताइए। ओके हो गया होगा, ठीक है, सबने रिप्रेजेंट नोट डाउन कर लिया इसको प्रॉपर? यस सर। ओके गुड, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो लिस्ट के आपने एग्जाम्पल लिखे हैं, ओके अब हेडिंग डालिए लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हैं, ये स्टडी करना जरूरी है। एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल, ऐसा हेडिंग डालिए, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल। अब जरा इस चीज को समझते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए वेरिएबल है, ठीक है, और ए वेरिएबल आपको प्रिंट करना है। आप डायरेक्टली लिखते हो प्रिंट ए, ए वेरिएबल प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिस्ट रोल करके हमारे पास एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की इतनी सारी वैल्यूज है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इसमें से एक ही वैल्यू आपको चाहिए। जैसे कि अभी की कंडीशन में यहाँ पे फोर वैल्यूज है, 51, 52, 53, 54, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में मुझे सिर्फ 51 की ज़रूरत है, सिर्फ 51 ही प्रिंट करना है, तो फिर हमको प्रिंट करते रहना चाहिए। हम जब चाहे तब जो चाहे वो वेरिएबल एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेस कर पाए, ठीक है। मैं चाहूँगा तो पहले पोजीशन को एक्सेस करूँगा, मैं चाहूँगा तो तीसरे पोजीशन को एक्सेस करूँगा, मैं किसी भी पोजीशन को एक्सेस कर पाऊँ। ये करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार का है, एक्सेसिंग लिस्ट वेरिएबल। इसके लिए मतलब अगर आपको कोई भी लिस्ट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप सिंटैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटैक्स लिखिए, आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा लिस्ट का नाम, ठीक है, और उसका क्या लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर या फिर पोजीशन नंबर कि कौन से पोजीशन पे वो अवेलेबल है। सिंटैक्स लिखिए, हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। लिखा सिंटैक्स? यस सर। ओके ठीक है, गुड।
गुड, चलिए इस्तेमाल करके देखते हैं इसका। ओके, मैं चाहता हूं कि मुझे 51 प्रिंट करना है, 51 को ही प्रिंट करना है। अगर मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है तो मैं ऐसा लिखूंगा, प्रिंट लिस्ट रोल, बराबर ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखो रन किया मैंने, 51, 52, 53, 54, ये पूरी की पूरी लिस्ट ही प्रिंट हो गई, बराबर। लेकिन मुझे पूरी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे फिलहाल की कंडीशन में सिर्फ 51 इस वेरिएबल, मतलब 51 यही वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक ही वैल्यू एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, बराबर। चलिए बताइए मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन। सर इंडेक्स नंबर 0, बराबर, हम इंडेक्स नंबर को लिखना पड़ेगा, हमें इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इंडेक्स नंबर क्या है, ये जो तुम लोगों ने लिखा 0, 1, 2, 3, ये जो होते हैं यही इंडेक्स नंबर होते हैं, इनको अलग अलग नाम है। तुम इसको मेमोरी लोकेशन बोल सकते हो, तुम इसको इंडेक्स वेरिएबल बोल सकते हो, तुम इसको स्क्रिप्ट वेरिएबल बोल सकते हो, तुम इसको पोजिशन वेरिएबल भी बोल सकते हो, फिर पोजिशन नंबर भी बोल सकते हो, ये सभी अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अभी आपको तो समझ में आ रहा है कि कौन से पोजीशन पे है, कौन से इंडेक्स, इंडेक्स मतलब नंबरिंग, कौन से नंबर पे है, 0 नंबर पे, कौन है 51, और वही तो चाहिए आपको, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लिस्ट रोल 51, सॉरी 0, तो लिस्ट रोल 0 ऐसा लिखोगे क्या? नो सर, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बराबर, आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स को फॉलो करना है, यहाँ पे क्या है, सिंटैक्स में स्क्वायर ब्रैकेट दिए गए हैं और आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर डालना है। इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है लिखना तो जीरो ही है लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये बात क्लियर हुई क्या? देखो मतलब प्रिंट के अंदर कुछ इस तरह से है, देखो मैंने स्पेसिंग दिया ताकि आपको प्रॉपर समझ पाए। अब इसको रन करते हैं अपन, देखिए आउटपुट आया 51, आपको ये चीज समझी क्या? यस सर। यस सर। अगर मुझे 53 को एक्सेस करना है तो मुझे बताओ क्या प्रिंट, क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा 2, क्यों? क्योंकि 0 पोजीशन पे 51 है, 1 पोजीशन पे 52 है, बराबर, और 2 पोजीशन पे 53 है। तो सेकंड यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ और रन करता हूँ तो मुझे मिलेगा 53। समझ में आया? Yes, समझा या नहीं? Yes. Okay, तो ये प्रोग्राम आपको लिखना है, मतलब वेरिएबल को एक्सेस करने का सिंपल प्रोग्राम है ये, आसान प्रोग्राम, सिर्फ 2 लाइन का प्रोग्राम है। लिखिए जल्दी जल्दी, अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने एक्सेस किया उसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने एक्सेस किया उसी प्रकार हम चाहे तो किसी भी लिस्ट की वैल्यू बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ना हमको अपडेट लिस्ट, हेडिंग डालिए अपडेट लिस्ट। लिस्ट को अपडेट कैसे किया जा सकता है? अपडेट लिस्ट, सिर्फ हेडिंग डालिए अपडेट लिस्ट। देखिए अगर अगर मैं आपको ये बोलता था, जैसे कि ये सब मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। अगर आपके पास एक वैल्यू होती जैसे कि a इक्वल टू 10, ये वैल्यू है बराबर, और अगर इसको आपको प्रिंट करना, आप तो नॉर्मली बोलते थे ना प्रिंट a, सही है। ओके, अब अगर प्रिंट ए मतलब ये वैल्यू है बिफोर अपडेशन, ठीक है, चलो मैंने ऐसा लिखा बिफोर अपडेशन और ए की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे लिख के आएगा बिफोर अपडेशन, मतलब अपडेट होने से पहले वैल्यू है 10। अब मैं चाहता हूँ कि भाई 10 प्रिंट होने के बाद ए के अंदर 20 आ जाए, आप क्या करोगे? ए के अंदर 20 असाइन होनी चाहिए और फिर 20 प्रिंट होना चाहिए, आप क्या करोगे?
रोल नंबर डॉट अप प्रिंट रोल रिस्ट इन ब्रैकेट जीरो रोल नंबर डॉट अपडेट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir.
300 300 Yes, sir. No, sir.